हेलो गाइस, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं अपने मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर हमारे चैनल के इस वीडियो को। तो बहुत सदियों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, दो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम बोर्ड के बारे में, जिसको आप सिर्फ यूज कर सकते हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने पीसी में। लेकिन मैंने उसमें ये कहा था कि आप मुझे बताओ कि आप इस मोबाइल में यूज करना चाहते हो या नहीं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वे अपने मोबाइल में यूज करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टाग्राम बोर्ड को कैसे अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। और यार बहुत 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 ही बड़ा वाला सॉरी यार, इतना लेट हुआ, इतना डिले हुआ, मैं सोचा नहीं था कि इतना डिले होगा, बट यार कुछ प्रॉब्लम था तो सॉरी। अब से वीडियो जो है टाइम पर आया करेंगी और शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है इंडेक्स ब्राउजर विथ प्रोटेक्ट। अब गाइस यहां सर्च करने के बाद आपके सामने जो एप्लीकेशन आएगा उसको आप डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यार मैं क्या कहता हूँ, वहां तक जाओगे ना तो बीच रास्ते में ना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, तो यार उसको भी प्रेस कर देना। मतलब तो इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, अभी इसको करना है ओपन। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसको कुछ जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आएगा, तो आपको करना है नेक्स्ट लॉन्च प्रोग्राम। इसके बाद जो इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से आएगा। देन गाइस आपको करना है अपना इंस्टाग्राम आईडी लॉगिन। अब यार इंस्टाग्राम आईडी को लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा instagram.com पर। उसके बाद अपना जो यूजर नेम और पासवर्ड है वहां पर डाल देना है और फिर करना है लॉगिन पर क्लिक। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है शो होगा। देन इसके बाद क्या करना है गाइस, नीचे आपको टैब दिख रहा है वहां पर टैब में क्लिक करना है और उसके बाद फिर प्लस करना है ताकि आप न्यू टैब को ओपन कर सके, न्यू विंडो को ओपन कर सके। देन गाइस इसके बाद जो मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाया है उसमें जो इंस्टाग्राम बोर्ड का जो दो लिंक दिया है उसमें से किसी भी एक बोर्ड का लिंक आपको कॉपी करना है। अब यार इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जिस बोर्ड को भी यूज करना हो, जिस बोर्ड के एक्सटेंशन को यूज करना हो, आप उस एक्सटेंशन के लिंक को कॉपी कर ले और फिर आप आ जाइए वापस इस ब्राउजर में। देन उसको यहां पर करना है पेस्ट। अब जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपको करना है गो पर क्लिक। अब गाइस जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा यहाँ स्लाइड करना है, फिर आप देखेंगे यहां पर एक ऑप्शन आता है एड टू क्रोम। अब आपको करना है एड टू क्रोम पर क्लिक। अब जैसे आप एड टू क्रोम पर क्लिक कर यहाँ थोड़ा स्लोड होगा, उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें आपको बताएगा एड एक्सटेंशन या फिर कैंसर, तो आपको करना है एड एक्सटेंशन और फिर यहाँ जो है एक्सटेंशन आप मोबाइल में एड हो जाएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि एड हुआ है या नहीं तो आपको करना है थ्री डॉट पर क्लिक, देन उसके बाद करना है एक्सटेंशन पर क्लिक। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एक्सटेंशन है यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि यहाँ जो है एड हो गया है हमारे ब्राउजर में। देन गाइस एड करने के बाद आपको फिर से जाना है अपने इंस्टाग्राम आईडी पर और फिर वहां पर कुछ इस तरह शो होगा। देन आपको फिर से करना है थ्री डॉट पर क्लिक। देन उसके बाद आपको करना है गो टू फुल साइट। अब जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है वहां पीसी की स्क्रीन जैसा कुछ शो होगा। तो यार आप देख सकते हैं जो हमारा इंस्टाग्राम बोट है वहां आ गया है और आप इसे जूम करके देख सकते हैं या फिर आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब गाइस आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आपको इसको यूज कैसे करना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना लिया है, तो आप उस दोनों वीडियो को देख सकते हैं और फिर अपने हिसाब से फिर उसको यूज कर सकते हैं, जिस बोर्ड को चाहे उस बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।